मुनव्वर फारूकी से ब्रेकअप के बाद आयशा खान टूटी हुई नजर आ रही हैं। आयशा को प्यार से लगने लगा है डर। जी हाँ, अपने एक्स की याद में जिंदगी बिता रही हैं आयशा। यूट्यूबर, एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आयशा खान बिग बॉस 17 से घर घर में अपनी पहचान बना चुकी हैं। शो में आयशा ने मुनव्वर फारूकी की गर्लफ्रेंड के तौर पर एंट्री ली थी। हालांकि शो में ही दोनों का ब्रेकअप हो गया था और दोनों ने अपनी अपनी राहों को अलग कर लिया था। आयशा ने मुनव्वर पर एक साथ दो लड़कियों को डेट करने का आरोप लगाया था, जिसके लिए उन्हें काफी ट्रॉल भी किया गया। बिग बॉस से बाहर आने के बाद आयशा खान ने पहली बार अपने और मुनव्वर के रिश्तों पर बात की। आयशा ने बातचीत में कहा, बिग बॉस के बाद से मुझे ठीक होने के लिए थेरेपी लेनी पड़ी। मैं मेंटली ठीक नहीं थी, मैं थेरेपीज लेने जाती थी। लोगों ने मुझे सच बोलने के लिए बुरा भला कहा, लेकिन क्या कोई प्यार में है तो अपने पार्टनर की गलत चीजें बता नहीं सकता? बिल्कुल बता सकता है, इसमें क्या गलत बात है? पर ठीक है, मैंने इन चीजों से डील करना सीख लिया है। आयशा से पूछा गया कि वो प्यार में किस तरह की इंसान है, तो उन्होंने कहा कि मेरा गिविंग नेचर है, मैं लोगों के लिए चीजें करना, एफर्ट्स करना जानती हूँ। प्यार की बात करें तो मैं अभी मूव ऑन नहीं कर पाई हूँ। कोई कैसे इतनी जल्दी चीजों को भूल कर मूव ऑन कर लेता है? सच कहूँ तो मेरे साथ जो भी हुआ उसके बाद मुझे प्यार से डर लगने लगा है। ये कहने के बाद आयशा खान काफी इमोशनल हो गई और एक्ट्रेस की आंखों से आंसू बहने लगे। वेल आयशा, आप अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाई हैं और मुनव्वर ने मूव ऑन करके निकाह भी कर लिया है। जो लड़का आपको कुछ समझता ही नहीं, उसकी याद में क्यों अपनी जिंदगी के खूबसूरत पलों को खराब कर रही हैं? फाइनल कट, न्यूज डेस्क।